वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग हैं भोली में और यहाँ पे एक फाउंडेशन है सदेवा फाउंडेशन करके, और ये जो है कोल माइंस के आसपास जो रहने वाले लोकल लोग हैं जो गरीब हैं उनको खाना प्रोवाइड कराती है। और ये लॉकडाउन के टाइम से या उससे पहले से? 2 साल पहले से। सदेवा फाउंडेशन के ये फाउंडर हैं, क्या नाम है आपका? हर सिंह। और इनको मैंने पहले भी देखा था इंस्टाग्राम पे, कल रात को इनका मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि हम लोग एक डोनेशन कैंप लगा रहे हैं तो आप आएंगे क्या। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो पिछली बार तो नहीं आ पाए थे लेकिन इस बार मेरे को ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि मतलब ऐसा मोटिवेशन और ऐसा इंस्पिरेशन इनको मिला कहाँ से इस चीज़ को करने के लिए। हमारे कॉलोनी में ऐसे कुछ बच्चे आया करते थे जो कि कोयला लेके आते थे इस जगह से, तो हमें लगता था कि इस बच्चे को अभी इस छोटे से उम्र में ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ी है जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये अभी यहाँ कोयला बेचने आते हैं। तो फिर जब हमने इनकी मजबूरी को यहाँ जानने का प्रयास किया और इस कॉलोनी में आए तो हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमार पड़े हुए हैं, इनके माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को काम करने के लिए ही प्रेरित करते हैं जाके ना कि पढ़ाने के लिए। तो हमने एक छोटा ट्यूशन सेंटर खोला, उसके बाद ट्यूशन सेंटर खोलने के बाद लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद हमें पता चला कि नहीं, इनका काम वाम भी बंद हो गया है, तो उसके कारण हमें यहाँ पे राशन किट्स की ज़रूरत पड़ी, जिसके कारण हमने डोनेट कार्ड आदि चीज़ें इंस्टा मीडिया और भी बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ के थ्रू मिलकर अपना डोनेशन उठाए। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी राशन किट लगातार 4 बार हो चुका है ये, और अभी भी हम लोग यहाँ पे 100 फैमिलीज़ को अभी आज का इनका जो इवेंट है इसमें ये लोग 100 फैमिलीज़ को राशन किट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो इनकी तैयारी लगभग पूरी है। और बाकी आपको दिख रहे होंगे कि लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आ चुके हैं जिनको राशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल इन्होंने 100 किट अरेंज किया है डोनेट करने के लिए, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोग अभी भी हैं। तो मतलब मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इस फाउंडेशन से ज़रूर जुड़ें, और अगर आप कोई अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं तो इन्हें ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि आपके डोनेशन से इनको मदद करने में और आसानी होगी और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। 11, 12, 12 लगभग सबको राशन मिल चुका है और सभी लोग घर जाएंगे, और जिनको नहीं मिला है वो फिर अगली बार जब कैंप लगाएंगे तो अगली बार उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पूरी सदेवा फाउंडेशन टीम है जो कि लगातार 2.5 साल से गरीब लोगों में राशन बांटने का काम कर रही है और उनके देखरेख का पूरा काम कर रही है। और मतलब आप लोग आगे क्या चाहते हैं, होगा ना कि आप लोग का फ्यूचर इनिशिएटिव? आगे फ्यूचर का यही प्लान है कि जितने भी बच्चे हैं अभी हम लोगों को प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं और आगे बढ़ के हम लोग उनको हायर एजुकेशन और हायर जगह पर पोस्टेड देखना चाहते हैं, जहाँ पे वो लोग अपनी सोसाइटी में अपना कुछ एडजस्ट कर सकें, अपना कुछ पोजिशन होल्ड कर सकें। तो अगर आपको भी लगता है कि आप इनकी कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं आपको इनकी डिटेल्स दे दूंगा जिनसे आप इनको कुछ डोनेट करके इनकी हेल्प कर सकते हैं इनको और आगे बढ़ने में, और ये जो आगे चाह रहे अचीव करना उसको इजीली अचीव कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको अगली।